अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है सिंपल सी मटन करी। तो इसे बनाने के लिए प्रेशर कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले, और साबुत मसालों में हमने दालचीनी, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च ली है। तो तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसमें ये सारे साबुत मसाले हम डाल देंगे और मसालों को हम हल्का सा तड़का लेंगे। और मसाले जब हल्के से तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 किलो मटन। इसे हमने अच्छी तरह धो लिया है 3 से 4 पानी से। तो हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज की प्याज ली और इसे पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भरकर डालेंगे हम इसमें अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसी के साथ हम पाउडर मसाले भी डाल देंगे। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच के करीब डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम कलर के लिए डालते हैं, ये तीखी नहीं होती है। और 2 चम्मच के करीब नमक, 4 टमाटर मीडियम साइज के बारीक कटे हुए डाल देंगे, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी। सारी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। करने के बाद में इसकी हम लीड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। हमें इसे 12 से 15 मिनट पकाना है, मटन बहुत अच्छे से गल जाए। चलिए तो अब हम यहाँ मटन को देख लेंगे। तो ये देखिए मटन अच्छे से गल गया है, ये देखिए मटन अच्छी तरह गल गया है, और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून लेंगे। तो ये मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देंगे, 1 गिलास के करीब डालेंगे इसमें पानी और मिक्स करेंगे। अगर ग्रेवी आपको थोड़ी सी पतली पसंद है तो पानी आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तभी ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, ये देखिए। तो 1 गिलास के करीब पानी हम इसमें और डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ढक कर पका लेंगे। तो बस थोड़ी देर ढक कर पकाने के बाद में ये देखिए मटन की सालन बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए मटन की सालन बनकर तैयार है, बहुत टेस्टी, बहुत मजे की बनी है रेसिपी। आप जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।